शब्द क्या है? स्ट्रेटेजी। इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, केवल और केवल आपके लिए स्ट्रेटेजी जाएगी फिजिक्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस साइड प्रिंस जाएगी टीचिंग यू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड इन दिस सेशन आई विल टेल यू हाउ टू कोरिलेट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड द स्टैटिक एंड द डायनेमिक पार्ट ऑफ द फिजिक्स। मतलब जितने भी हमारे फैक्ट्स एंड फिगर हैं फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर, उनका कम से कम समय में कितना प्रयोग करके आप ज्यादा से ज्यादा अंक पा सकते हैं किसी भी सरकारी परीक्षा के अंदर। तो अगर हम बात करें अपनी फिजिक्स की, सबसे पहली बात आपको इस शब्द के बारे में पता होना चाहिए। ये जो शब्द लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है फिजिक्स, जो एक टर्म से को रिलेट होता है जिसे क्या कहते हैं, फिजिका। और इसी फिजिका वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, या फिर इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, नेचुरल। तो आज आपको इसके बेसिक रूट मीनिंग वर्ड को ही देखते हुए सबसे ज्यादा इसके ऊपर क्या करनी है, चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करना है। देखो यहां शब्द लिखा है नेचुरल, तो आपके दिमाग में कुछ चीजें सिग्निफाई हो गई होंगी। हमारी जो फिजिक्स है ये दो तरह की होती है, एक होती है क्लासिकल और एक होती है मॉडर्न। अगर हम इसकी बात करें तो जितना भी पार्ट न्यूटन के द्वारा दिया गया था, जिसमें आपका ग्रेविटेशन भी आता है, जिसमें आपकी मैटर्स आते हैं, और जितना भी आपका मॉडर्न पार्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टर, सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन, डुअल रेडिएशन, ये सब चीजें किसके थ्रू आती हैं आपकी, ये सब चीजें आपकी आती हैं मॉडर्न के थ्रू, जिसका आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, आइंस्टाइन। एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस हूं तो ये सब चीजें मैक्रो लेवल पे होती है, ये सारी चीजें मिनी लेवल पे या माइक्रो लेवल पे होती है, लाइक सेम एज ऑफ इको। इको होती है एक मैक्रो लेवल, एक माइक्रो लेवल। तो हम अगर इसकी स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी समझने से पहले आपको इसकी सिलेबस के बारे में ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। हर चीज का सिलेबस जब भी पढ़ोगे तो बेटा सबसे पहला शब्द उसमें एक चीज आती है जो हर कोई टीचर स्किप कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेसिक। बेसिक इज समथिंग विच गिव अस अ फैक्ट अबाउट दैट सब्जेक्ट। बेसिक टर्म्स, लाइक इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बेसिक क्या होगा, ए बी सी डी। ये नहीं होगा कि ए को बी के साथ कैसे जोड़े, यहां पे इसके बेसिक्स होंगे इनके टर्म्स। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, सबसे पहली जो आपकी यूनिट आती है उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। फिर आपकी जो यूनिट आती है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। देन फिर आती है आपकी ऑप्टिक्स, फिर आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे चैप्टर आते हैं जो स्टैटिकली ग्रेविटेशन, रिजिड बॉडी एंड फ्लूइड्स, फिर आता है आपको क्या, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जो भी चीज इलेक्ट्रॉन्स से रिलेट होगी ये सब चीजें कहां पढ़ाई जाएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट और इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी लॉजिकल एग्जाम के लिए। और इन सब के अलावा एक और चीज आती है जिसे आप लोग कहते हैं क्या, मैग्नेटिज्म। इन दोनों चीजों को जोड़ दी जाती है तो क्या आता है, ईएम वेव्स। तो देखो सिलेबस कोई ज्यादा नहीं है, सिलेबस बहुत इजी है। लाइक अगर मैं आप लोगों से बात करने लगूं कि आपका एग्जाम आ रहा है, आपने बोला सर एक क्वेरी है, मैंने बोलो बेटा कि सर क्वेरी है कि मेरा पेपर है एमटीएस का, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सबसे लो लेवल का एग्जाम जिसके लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, केवल 8th या 10th की। कभी भी अगर एमटीएस के अंदर आएंगे तो वो क्वेश्चंस आएंगे जो मेन फैक्ट्स पे होंगे कि ये फैक्ट होता क्या है। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल की बात है कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म एनर्जी, इसकी यूनिट क्या है, आपसे कोई भी पूछ लेगा बताओ इससे रिलेटेड लॉ क्या है। तो जितने भी मेन पॉइंट पर आंसर आते हैं कि इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लाइट क्या होती है, ठीक। कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि लाइट के इफेक्ट्स बताओ,
रिफ्लेक्शन बताओ, रिफ्रेक्शन बताओ, डिस्पर्जन बताओ, ये TIR बताओ, ये सब चीजें आपकी अलग एग्जाम में आती है। कभी भी MTS लेवल पे आप चीजें देखोगे तो वो हमेशा किस में आती है, फैक्ट्स में। अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊं कि बेटा जो एग्जाम होता है, जो हमारा एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, SSC, ये SSC एग्जाम बहुत सारे कंडक्ट कराता है। FASX कराता है, ये CGL कराता है, ये CHSL कराता है, इसके साथ साथ ही कौन सा कराता है, MTS कराता है, इसके बावजूद ये CPO कराता है, ये SSC, JEE और AE कराता है। अगर आप 10th पास है तो आप कौन सा दे सकते हो, MTS, 12th पास हो तो आप कौन सा दे सकते हो, ये। और इन सारे एग्जाम्स के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, ग्रेजुएशन की। तो देखो जितने भी 10th लेवल के एग्जाम है उनमें केवल फैक्ट्स एंड फिगर आती है, लेकिन अगर मैं आपको 12th लेवल एग्जाम की बात करूं तो 12th लेवल एग्जाम के अंदर हमेशा एप्लीकेशंस आएंगी। एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, अनुप्रयोग। चलो एक एग्जाम्पल से तुम्हें चीजों को समझाता हूं। मैंने तुमसे कहा कि न्यूटन के कितने नियम हैं, आपने कहा सर 3, ऐसा क्वेश्चन कहां जाएगा MTS में। आपने मुझसे पूछा सर वो नियम क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, ऐसा क्वेश्चन कहां आएगा आपका CHSL में। अब वो नियम कहां कहां लगता है और इसके द्वारा होने वाले सारे नेचुरल प्रोसेस किसमें पूछे जाएंगे, ग्रेजुएशन के अंदर। तो मैं अभी आपको एक ओवर थ्रू आउट दे रहा हूं चीजों का। इसके अलावा अगर हम फिजिक्स की बात करें डिफेंस में, क्योंकि वी आर विवांता स्ट्रीम, जय विवांता, रीजन क्या है, कभी आप हमारी ऐप डाउनलोड करिएगा, गूगल पे जाके, गूगल प्ले में मिल जाएगी, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे जाना और देखना, स्कूल के पहले भी और स्कूल के बाद भी, स्कूल के साथ भी, मतलब अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं तो आपको फिजिक्स हेल्प करेगी। अब 12th पास कर चुके हैं तो डिफेंस में, नहीं तो 12th बेस के जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं। डिफेंस की बात करें तो इसमें आता है NDA, CDS, एयरफोर्स, और इसके अलावा एक और एग्जाम है जो आपके लिए फेमस भी है, FCAT। ये सबको पता होगा, ये एयरफोर्स के लिए है, ये भी एयरफोर्स के लिए, ये ऑफिसर रैंक के लिए, टेक्निकल के लिए, इसमें लाइनमैन, गार्ड ड्यूटी। इसके अलावा CDS में बात करें तो ये हमेशा OTA, मिलिट्री, ये सब चीजें आती है, और ये एग्जाम है 12th बेस, वन ऑफ द एलिगेंट सब्जेक्ट विच कंप्राइजेस 60% बाय फिजिक्स। और इसका जिसने सिलेबस बन गया केवल 12th के बाद, डायरेक्ट किस पे जाओगे आप, लेफ्टिनेंट लेवल की पोस्ट पे। और फिजिक्स यहां से कहां से आती है, 11th एवं क्या 12th, केवल 11th एंड 12th, और वो भी कौन सा पार्ट, केवल उसके अंदर कौन सा आता है, लॉजिकल पार्ट। बात करें FCAT की तो FCAT भी जनरली कौन से लॉजिक्स पे रहता है, 11th 12th के। एयरफोर्स को डिफरेंस होता है, क्यों, एयरफोर्स के अंदर आता है एक X और एक Y, इसका पेपर थोड़ा लीनियंट होता है, इसका पेपर थोड़ा हार्ड होता है। देखो सारे सिलेबस जो है मेनली वो 9th 10th 11th 12th पे ही फोकस करते हैं। आपको हमेशा क्या करनी है, अपने दिमाग में तीन चीजों को बड़ा क्लियर रखना है। एक स्ट्रेटेजी देखिए हर किसी की अपनी होती है, लेकिन एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन रूल मैं आज आपको दे देता हूं जो हमेशा आपको चीजें हेल्प करेगा। देखो प्रीवियस ईयर NCERT और माय नोट्स, अपार्ट फ्रॉम जो कि माय नोट्स का मतलब है, ये वो मेरे नोट्स जो तुम्हें हमेशा हेल्प करेंगे बेसिक एग्जाम से लेके अपर लेवल एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर क्यों चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर हमेशा इसलिए चाहिए ताकि आप चीजों की एनालिसिस बढ़ा सको, NCERT इसलिए चाहिए चीजों की डिटेल में जाके समझ सको, और नोट्स इन दोनों का जस्ट होगा, क्लियर है। तो स्ट्रेटेजी आदमी की यही होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा पढ़े, डिटेल में NCERT में पढ़े, और माई नोट्स मतलब मेरे द्वारा लिखे जितने भी मेरे नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखिए, चीजों को समराइज कीजिए, आपकी सोचने की समझने की शक्ति बढ़ेगी। एट द लास्ट फिजिक्स के लिए सिर्फ इतना कह सकता हूं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा लीगल वे में आप स्टडी करोगे, एंड टिल द टाइम यू बी कंसिस्टेंट विद दिस फिजिक्स, विल गेट द इनफ नंबर टू क्रैक एनी एग्जाम, वेदर इट इज MTS और द अपर लेवल
of the competition is IAS. Thank you so much. We will post this all the data in the description box. Thank you so much. Bye.